स्वागत है, स्वागत है। ये है कतर का पहला 3D रेडियो शो। कतर के पहले 3D रेडियो शो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज बात करेंगे कतर के एक फौजी किले के बारे में, जिसे 1938 में शेख अब्दुल्ला बिन जासिम की निगरानी में बनाया गया था, अल जुबारा किला। कभी पर्ल फिशिंग और ट्रेडिंग के लिए मशहूर रहने वाला अल जुबारा फोर्ट आज कतर का सबसे बड़ा वरसा है, जिसमें आप पाएंगे लंबी दीवारें, पुराने घराने और घर, बाजार, सनाती इलाके और मस्जिद। अल जुबारा फोर्ट 18वीं और 19वीं सदी के बेहतरीन महफूज मिसालों में से एक है। 2013 में इसे यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का नाम दिया। 18वीं और 19वीं सदी के आखिर में इस किले को कुछ समय के लिए पर्लिंग और तिजारती मस्कस के तौर पर कामयाब हुआ, जिसमें बेशकीमती चीजें, खास तौर पर मोती शामिल हैं, जिन्हें इंडियन ओशियन, अरेबिया, वेस्टर्न एशिया से आए हुए व्यापारियों को बेचा और खरीदा जाता था। कभी एक व्यापारिक शहर कहलाने वाला अल जुबारा फोर्ट एक अरसे तक बाकी शहरों से मुकाबला करता रहा। फिर 20वीं सदी में मलबे के पत्थरों और मोर्टार की इमारतें गिर गई और धीरे धीरे रेत ने इस पूरी जगह को ढक दिया। अगर आप अल जुबारा किला देखने जाएंगे तो पाएंगे निशान उस महान किले के, जहां कभी महल, मस्जिद, सड़कें, मछुआरों की झोपड़ियां और रेत के घर थे। लेकिन सबसे दिलचस्प हिस्सा तो अभी बाकी है। इस किले के बारे में ऐसा बहुत कुछ है जो अभी भी इतिहासकार जानना चाहते हैं और इसके लिए पूरे प्रयास कर रहे हैं। अब तक इतिहासकारों को जो कुछ मिला है उसमें शामिल है एक छोटी सैटेलाइट के कुछ अवशेष और नजदीकी गांव की कुछ निशानियां। और अगर आप अभी भी सोच रहे हैं कि इस किले को इतना अनूठा और इतना असाधारण क्या बनाता है, वेल, कहा जाता है कि ये किला शहरी व्यापार और मोती गोताखोरी परंपरा का सच्चा उदाहरण है, जिसने इस्लामी काल के तटीय शहर का एक बड़ा हिस्सा कायम रखा है। उम्मीद है कि ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अगली बार मिलते हैं कतर की एक और हैरतअंगेज जगह के साथ।